सबसे पहले सारे भाई लोगों को जय शंकर महाराज, हाथ जोड़ के नमस्कार, हेलो, हाय, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना भाई शुभम पोखरियाल और मैं आज नए टॉपिक के साथ आया हूँ, कल्चर टूरिज्म। कल्चर टूरिज्म क्या होता है और कौन कौन सी डेस्टिनेशन फेमस है, डेस्टिनेशन जो टूरिस्ट प्लेसेस जो कल्चर के लिए। वैसे तो पूरा इंडिया ही कल्चर से भरा पड़ा है, तो मैं इतना नहीं है, पूरा इंडिया ही कल्चर से भरा पड़ा है। देखो, कल्चर टूरिज्म क्या होता है। कल्चर टूरिज्म ये होता है जो बंदे ट्रैवल करते हैं फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव करने के लिए, वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का आर्ट वर्क, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट, वहाँ के बिलीफ सिस्टम, वहाँ के रिलीजियस साइट्स और वहाँ के नॉर्म्स, बिलीफ सिस्टम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक कल्चर को डिपिक्ट करती हैं, मतलब एक कल्चर को दिखाती कि ये कल्चर है, वहाँ का कल्चर ऐसे। देखो, सारे मतलब सारे इंडिया में अपना अपना डिफरेंट कल्चर है, ड्रेसेस अलग हैं, सब लोगों के फूड खाने का तौर तरीके अलग हैं, सबके मतलब घर का आर्किटेक्चर्स अलग थे पहले, अब तो सब जगह सेम होने लग गया। मतलब पहले के टाइम पे आर्किटेक्चर भी सबके चेंज थे, हिमालय रीजन में अलग, प्लेन्स में अलग। अब तो मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम भाग रहे हैं, लोग हमारे कल्चर को देखने आ रहे हैं फॉरेन से, उन्हें हम प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब हम भी अपना कल्चर को भूल रहे हैं। और कल्चर ऐसी चीज़ है, कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है, उसे हम एक छोटी चीज़ में डिफाइन नहीं कर सकते। ऑल चीज़ आर कल्चर। हम खाना खाते हैं, हाँ हम खाना खाते हैं, हमारे रिचुअल्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, ये है। और मैंने गूगल में सर्च मारा था कि कल्चर टूरिज्म इन इंडिया, कल्चर सबसे पहले आया उत्तराखंड का नाम। उत्तराखंड का नाम इसलिए आया, उत्तराखंड में हिमालयस में एंशंट टेम्पल्स हैं, बहुत पुराने पुराने, उसके बारे में आया कि इस कारण ये फेमस है कल्चरल टूरिज्म के लिए। पर अब जो कल्चर है उत्तराखंड में भी बहुत जल्दी ख़त्म, हर जगह ख़त्म हो रहा है, और राजस्थान में भी अभी बचा के रखा, राजस्थान हो गया, हिमाचल का भी काफ़ी कल्चर अभी बचा पड़ा है। उत्तराखंड में तो आपको पता है काफ़ी घर लोग अपने गाँवों को छोड़ के प्लान हो चुके हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कल्चर टूरिज्म की बात करूँ, कल्चर टूरिज्म ज़्यादा लोग फॉरेनर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब फॉरेन जो, देखो वहाँ के, वहाँ इतना कल्चर नहीं है, वहाँ सब वेस्टर्न ही है, वहाँ के लोग यहाँ का कल्चर देखने आते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस करने आते हैं, आपको पता ही है। आर्ट वर्क, यहाँ का बिलीफ सिस्टम, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ के होली बुक्स पढ़ते हैं वो, ऋषिकेश माँ के योगा सीखते हैं सब, मतलब ये कल्चर से तो निकला हुआ है, हमारे रिलीजियस एक कल्चर का ही पार्ट है ना। तो ये है, अब वो यहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं फॉर एक्सपीरियंस इंडियन कल्चर। तो ये है इंडियन कल्चर, बहुत मैंने छोटा सा बताया आप लोगों को, आप बस नॉलेज में डालने के लिए, और बाकी आप गूगल वूगल में भी डाल के सर्च कर सकते हो। अच्छी लगी होगी, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। कल्चर, अपना कल्चर को बचाए रखिए और पीसफुल रहिए, अपने कल्चर को प्रमोट करिए, अपने टूरिज्म को प्रमोट करिए। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे। मैं बताऊंगा अभी कौन कौन सी डेस्टिनेशन कल्चर टूरिज्म के लिए फेमस। देखो, अनएक्सप्लोर जगह हैं जो, देखो नॉर्थ ईस्ट का पूरा पार्ट, सेवन सिस्टर, आपको पता है वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं फॉर कल्चर टूरिज्म। वहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी 8 साल रहा हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ का कल्चर भी बहुत बढ़िया है। लोग डरते हैं कि मारते हैं, आप लोगों के कल्चर को वो करोगे, ख़राब करोगे, वो तो आपको नुकसान पहुँचाएंगे ही। अब वहाँ के बिलीफ सिस्टम, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, उन्हें आप उनके साथ खिलवाड़ करोगे तो भैया हर कोई है वो आपको मारेगा ही। तो ये है, लोगों ने गलत वो बनाया, हम्पी हो गया, गोवा हो गया, तुम्हारा खारदुंगला हो गया, लद्दाख हो गया, धनस्कार हो गया, काजा हो गया, ये हिमाचल के पार्ट हैं। जो अनएक्सप्लोर विलेज हैं, रूलर है, वहाँ का कल्चर भी बहुत बढ़िया है।
बर्फ में कैसे रहते हैं वो, मतलब ये वाला सिस्टम है। चलो भाई, जय हिंद जय भारत।